स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज पर्वत बिश्नोई। सो इस वीडियो में आप डिस्कस करने वाले हाँ कि सीबीएसई ने एक करिकुलर जारी किया सी जिदे विच उन्होंने प्री बोर्ड दे प्रैक्टिकल्स दे प्रोजेक्ट्स दे ए मार्क्स जिहड़े सी ए ऑनलाइन अपलोड करने लिए किया सी। काफ़ी टाइम पहला ही नोटिफिकेशन आया सी ते हुण इहदी डेट जिहड़ी आ वो 28 तरीक कर दी गई है लास्ट। ठीक है, सो हुण पंजाब बोर्ड की गल आती है कि आपां एक बार देख सकते हैं कि जेकर सीबीएसई इन्हां चीज़ां दे मार्क्स मंग रही है, इन्हां प्री बोर्ड के मार्क्स मंगे ने उन्होंने, ठीक है, इंटरनल असैसमेंट मंगी है, प्रोजेक्ट्स के मार्क्स मंगे है, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स जोड़े वो मंगे है, तो कित ना कि आप देख सकते हैं कि सीबीएसई का जो क्राइटीरिया आएगा वो इन्होंने पॉइंट्स से बेस ही आएगा। सो हूँ पीएससीबी वाले बच्चे की करन। सो देखो पीएससीबी का जो आप दिसंबर जनवरी के दिसंबर के जोड़े एग्जाम्स हुए से, ठीक है, जनवरी दिसंबर के जोड़े पेपर हुए से, सो प्री बोर्ड जोड़े है कुछ बच्चों के हुए है, कुछ दे नहीं हुए, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने प्री बोर्ड कंडक्ट नहीं करवाए, कुछ बच्चों ने जोड़े है वो प्री बोर्ड नहीं दिते है। तो प्रैक्टिकल की गल करिए मोस्टली पंजाब के स्कूल्स ने जिन्होंने प्रैक्टिकल्स कंडक्ट नहीं करवाए से दिसंबर के, अक्टूबर के पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने नोटिस जारी किया कि अक्टूबर के जो प्रैक्टिकल्स है वो नहीं लेने क्योंकि कोविड चल रहा है उस टाइम, बट दिसंबर के भी प्रैक्टिकल्स जोड़े से वो नहीं ले गए। काफ़ी सारे मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन के प्रैक्टिकल्स जोड़े वो नहीं ले गए। सो जिन्ना मैं पता किया मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन यहोजे ने जिन्हों के पेपर प्रैक्टिकल्स अजे नहीं हुए, तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के मार्क्स किस बेसिस से लगेंगे लगनगे, तो जिन्हों बच्चों ने प्री बोर्ड जिन्हों स्कूल्स के प्री बोर्ड नहीं हुए वो बच्चे की करेंगे। प्रोजेक्ट्स का तो तुम ना के बराबर ही समझो पीएससीबी के, तो प्रैक्टिकल्स भी जिन्हों के नहीं हुए उन्हों का की होएगा। देखो जेकर प्रैक्टिकल्स नहीं हुए मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के नहीं हुए क्योंकि फाइनल प्रैक्टिकल्स सीबीएसई के पहला हो जाते हैं, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के पेपर तो बाद होंगे, तो यह चीज़ तो तुम लिस्ट ए कट दो, ए पंजाब सरकार को कुछ ना कुछ नवा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल असैसमेंट थोड़ी लग जाएगी, थोड़े टीचर्स ला देंगे किमें ऑनलाइन क्लासिस लाइया ने, किमें रिस्पोंस किए, कि अटेंडेंस है, सारा कुछ देख के इंटरनल असैसमेंट थोड़ी लग जाएगी। उस तो बाद प्री बोर्ड जिन्हों बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड हो गए उन्होंने प्री बोर्ड जो लगनगे, उस तो इलावा जिन्हों के कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने या जो कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने जिन्होंने प्री बोर्ड नहीं हुए और दिसंबर जो एग्जाम्स हुए ने उन्होंने ही प्री बोर्ड जो दस रहे हैं, तो उन्होंने वे मार्क्स ही जो अपलोड किए थे। थोड़ा टाइम पहला पीएससीबी का भी एक करिकुलर आया से जिद प्री बोर्ड के प्लस टू के मार्क्स जो मंगे गए थे, तो उन्होंने उही मार्क्स जो अपलोड किए जो दिसंबर के बच्चों के आए हैं। सो जेकर दिसंबर तो बाद कोई भी एग्जाम नहीं हुए तो दिसंबर वाले जो एग्जाम से वो प्री बोर्ड कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, या उस तो बाद जेकर जनवरी या फरवरी के स्टार्टिंग जेकर एग्जाम हुए से तो प्री बोर्ड जो कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, सो प्रैक्टिकल दे विच तुसी टेंशन ना लो क्योंकि प्रैक्टिकल हमेशा बाद दे विच हुंदे आ, तो प्रैक्टिकल दी थां ते पंजाब गवर्नमेंट नूं कुछ ना कुछ नवा जिहड़ा उह करना पएगा क्योंकि पूरी प्रोपर डेट शीट आई सी। ठीक है, पूरी तरह नाल पेपर होने से उस तो बाद प्रैक्टिकल्स जिहड़े आ होने से, बट पेपर ही नहीं होए तो प्रैक्टिकल्स तो बाद दी गल है। इंटरनल असैसमेंट थोड़ी वधिया तरीके नाल लग जाएगी। प्री बोर्ड जिन्हों के नहीं होए उन्होंने दिसंबर जिहड़े एग्जाम से उन्होंने ही प्री बोर्ड जिहड़ा कंसीडर किया जाएगा। इंटरनल असैसमेंट थोड़ी अटेंडेंस के बेस से, थोड़े रिस्पोंस के बेस से, या पिछले जो भी थोड़ा रिस्पोंस या रिजल्ट से उन्होंने बेस के उपर थोड़ी इंटरनल असैसमेंट जी लग जाएगी। सो टेंशन ना लो, जो होएगा वधिया होएगा, स्कूल के नंबर जिहड़े वो वधिया ही जाएंगे। बाकी जिहड़ा है ओ डिपेंड करता है कि जो पेपर कैंसल होंगे उस तो बाद पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड या पंजाब सरकार जी है वो सीबीएसई के पूरे क्राइटेरिया फॉलो करती है या आपदियाँ कुछ गाइडलाइनस ने वो जारी करती है। तो होप है कि कल की न्यूज़ तो बाद छेती तो छेती जो फैसला है वो सिक्ख्या मंत्री जोड़े वो देंगे या फिर 15 जून तक का फैसला आराम न आएगा। जिस दिन सीबीएसई का क्राइटीरिया आ गया उस टाइम तो पंजाब सरकार को आपका डिसीजन जो देना ही पेगा कि वैदर दे आर गोइंग टू कंडक्ट एग्जाम्स और वैदर कैंसलेशन, क्योंकि जिनी भी न्यूज़ आप देख रहे हैं सिक्ख्या मंत्री का इंटरव्यू आप देखा सी उहदे विच भी सिक्ख्या मंत्री ने यही कहा कि असी सीबीएसई दे ऑब्जेक्टिव क्राइटीरिया की वेट कर रहे हैं, जदों ऑब्जेक्टिव क्राइटीरिया आ गया उस तो बाद असी डिसीजन देवांगे कि पेपर कैंसल होने ने या नहीं। सीएम जिहड़े ने अनाउंस कर देंगे कि पेपर कैंसल करने ने या नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के पेपर लगातार एक एक करके कैंसल हो रहे ने। सो टेंशन ना लो, कोई टेंशन की जरूरत है नहीं, आराम नाल आपदी लाइफ जी इंजॉय करो, जो अगे स्टडी करनी है वो पढ़ो। बाकी कुछ डाउट्स ने तो प्लीज़ कमेंट सैक्शन के अंदर कमेंट करो, कुछ किसी होर टॉपिक के उपर तुम वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सैक्शन के अंदर कमेंट करके मैं दसो। बाकी वीडियो वधिया लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के लाइक शेयर करो, वीडियो लाइक करो, तो चैनल सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस जरूर करो, तो नवी अपडेट्स जो मिलती है ना। सो थैंक यू सो मच।